السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے ادب سے عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے بزرگان محترم معزز علماء کرام عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں ایک بات یاد رکھیے جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے اگر زندگی محمود تو موت بھی محمود اور اگر زندگی مذموم تو موت بھی مذموم اگر زندگی اچھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی تو موت بھی اچھی اور اگر زندگی بری تو موت بھی بری ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی نہ گزاریں دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بڑے نادان ہیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بڑے عقل مند ہیں بڑے ہوشیار ہیں بڑے سمجھدار ہیں بڑے چالاک ہیں فرمایا عقل مند کون ہوشیار کون سمجھدار کون چالاک کون فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کر لے فرمایا کہ وہ
होशियार है, वो अकलमंद है, वो समझदार है, वो चालाक है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी मौत को याद रखने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। मेरे अजीजो, जिस मौत जब याद रहती है तो दुनिया की मोहब्बत एकदम उस बंदे के दिल से निकल जाती है। अगर किसी को यह बताया जाए कि 5 मिनट के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा, तो वो 5 मिनट पड़ेगा डालेगा, वो 5 मिनट कैसी वसूल करेगा? 2 रकात पड़ेगा, बड़ी शानदार पड़ेगा, दुआ करेगा, पूरी दिल की हाजिरी के साथ करेगा। उसको पता है 5 मिनट के बाद जाना है। जिसको पता हो कि 5 मिनट के बाद जाना है, वो जब ऐसी काबिले रश्क 5 मिनट गुजारता है, तो मुझे और आपको तो 5 सेकंड का भी पता नहीं, तो मुझे और आपको कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। यूं फरमाया, हर अमल को इस इस्तिहजार के साथ करो कि हो सकता है कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी अमल हो। नमाज पढ़े इस तस्वुर के साथ, हो सकता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, हो सकता है इसके बाद नमाज पढ़ने का मौका न मिले, हो सकता है कि इसके बाद मेरा इंतकाल हो जाए। कुरान शरीफ की तिलावत करें इस तसव्वुर के साथ, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तिलावत हो। दुआ करें इस इस्तिहजार के साथ कि हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी दुआ हो। मेरे अजीजो, हर मिनट को वसूल करो की जगह राहत तुल करो, हर लम्हे को वसूल करो। जन्नत तो फरमाया ऐश की जगह, राहत की जगह, सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह, मजे करने की जगह, पिकनिक की जगह, खाओ पियो घूमो मजे करो। फरमाया जन्नत अफसोस की जगह है, तो कहा बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर जन्नत में किसी को ही अफसोस नहीं होगा? फरमाया हां 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 हां, उन लोगों को अफसोस होगा। यूं फरमाया कि अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद किसी चीज का कल्प और अफसोस नहीं होगा, बजुज उस घड़ी के जो घड़ी के अल्लाह की याद के बगैर गुजार दी, जन्नत में भी उसका अफसोस करता होगा। आप अंदाजा लगाएं, हजरत शेख ने ये जो फजाइल आमाल लिखी है, ये कई किताबों को जमा करके एक किताब की है। जैसे हिकायत सहाबा पूरी मुस्तकिल अलग किताब है, फजाइल नमाज अलग किताब है, फजाइल जिक्र अलग किताब है, फजाइल रमजान अलग किताब है, फिर सब किताब को एक साथ जमा करके इसका नाम फजाइल जो है। हजरत शेख ने सबसे बड़ी जो किताब लिखी वो फजाइल जिक्र लिखी है। इसलिए जो है अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करें। किसी अल्लाह वाले ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई, क्या खूब शेर इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। फरमाया दिल को जो तसल्ली होती है, जो सुकून मिलता है, वो अल्लाह को याद करने से। आज सारी दुनिया सुकून के बारे में परेशान है, पीस अमान सुकून कैसे मिले? क्या इंडिया, क्या बर्रे सगीर, क्या पूरी दुनिया, क्या बड़े ममालिक, क्या छोटे ममालिक, क्या मशरिक, क्या मगरिब, क्या शिमाल, क्या जुनूब, दुनिया का हर फर्द सुकून चाहता है, चाहे उसके पास ईमान हो ना हो, अल्लाह और उसके रसूल को मानता हो या ना मानता हो, हर कोई सुकून की तलाश में है। मेरे अजीजो, सुकून किसको मिलता है? फरमाया कि जिसके पास ईमान हो और वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाला हो। अरे कितना सुकून मिलता है! यूं फरमाया, कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। अल्लाह करे हमें अल्लाह के नाम का मजा, अल्लाह करे हमें पता चल जाए,
अल्लाह के नाम का मजा पूछना हो, जरा अल्लामा शिबली नौमानी से पूछें, अल्लाहु अकबर कबीरा कैसी मोहब्बत, पूरी रगो रेशे में अल्लाह की मोहब्बत समाई हुई। अल्लाह करे कि हमारे रगो रेशे में, हड्डी हड्डी में, बोटी बोटी में, पोस्ट पोस्ट में, खाल खाल में, बाल बाल में अल्लाह की मोहब्बत जो है वो समा जाए। आपने स्पंज को देखा होगा, स्पंज को पानी में रख दिया जाए तो पूरा स्पंज पानी से इस तरह भर जाता है कि उसके नस नस में पानी समा जाता है। एक मोमिन को भी इसी तरह उसको जिंदगी गुजारनी चाहिए कि उसके रगो रेशे में, हड्डी हड्डी में, बोटी बोटी में, पोस्ट पोस्ट में, खाल खाल में, बाल बाल में अल्लाह की मोहब्बत हर नस में, हर रगो रेशे में समा जाए और वो मोमिन अल्लाह का दीवाना हो जाए। एक बात याद रखिएगा, जो मखलूक से मोहब्बत करेगा वो मखलूक से जुदा कर दिया जाएगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो अपने अल्लाह से मिला दिया जाएगा। अरे किसको मनाना आसान है, दुनिया में सबसे ज्यादा किसको मनाना आसान, फरमाया अल्लाह को मनाना आसान, सगे बाप से ज्यादा मनाना आसान, सगी माँ से ज्यादा मनाना आसान। अरे अल्लाह सारी दुनिया की माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाले अल्लाह बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं, बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े पापियों को अल्लाह माफ कर चुके हैं और अल्लाह ताला आज भी माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस इस बात का कि न हम तौबा करने के लिए तैयार हैं, न हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जो हजरात बेचारे कब्रिस्तान में सोए हुए हैं वो सच्ची तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह आज उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या बात है, फरमाया कि ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत जो है ये दारुल जजा है। दुनिया अमल की जगह और आखिरत जो है बदले की जगह, दुनिया इम्तिहान की जगह, आखिरत जो है वो रिजल्ट मिलने की जगह। रिजल्ट मिलने के वक्त अगर कोई अफसोस करे तो उसका अफसोस काबिल कबूल नहीं। अकलमंद वो है जो इम्तिहान से पहले ही अफसोस कर ले, मेहनत कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले और अच्छे नंबर से जो है वो कामयाब हो जाए। हमारे अंदर का ये जज्बा, ये तलब, ये शौक, ये वलवला, ये जज्बा होना चाहिए कि हम आखिरत में बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाए। देखो कामयाब होने वाले अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। 50 अप ले जाए उसे भी कामयाब कहते हैं, 70 अप ले जाए उसे भी कामयाब कहते हैं, 97 अप ले जाए उसे भी कामयाब कहते हैं। लेकिन उसकी कामयाबी बड़ी समझी जाती है, अखबार में उसका नाम आता है, मीडिया वाले उसके घर पहुंच जाते हैं, उसके बोर्ड लगाए जाते हैं, उसका सर खुश, उसकी टीचर खुश, उसके वालिदैन खुश, उसके घर वाले खुश। क्या बात है, फरमाया 97 अप ले गए। तो आखिरत में कामयाब होने वाले जो होंगे, बाजे बड़े आला नंबरात से कामयाब होने वाले होंगे, उन्होंने गुनाह बहुत कम किए होंगे और उन्होंने अल्लाह को मनाया होगा। मेरे अजीजों, हमारे अंदर का ये जज्बा, ये वलवला, ये शौक होना चाहिए कि हम आखिरत में जो है बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाएं, छोटे पैमाने पर नहीं। अल्लाह करें कि ऐसा हो जाए। और एक बात ये याद रखिए, हमारी कब्र में कोई दूसरा नहीं आएगा, हमारा हिसाब कोई दूसरा नहीं देगा। हमें अपना हिसाब देना है, हमें अपनी कब्र में जाना है, हमारा इंतकाल होगा, इसलिए हमें जो है अपनी आखिरत की तैयारी खुद करनी है। हमें खुद अल्लाह का वली बनना है, हमें अल्लाह का ताल्लुक हासिल करना है, हमें अल्लाह के वली बनने की कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। क्या हम अल्लाह के वली बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा कितनी देर में बन सकते हैं? फरमाया 10 सेकंड से भी कम में बन सकते हैं। वो कैसे? पिछले गुनाहों से सिदके दिल से माफी मांग लें,
और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा कर लें। अल्लाह अपना वली बनाने के लिए तैयार है। अल्लाह ने विलायत के दरवाजे जो हैं वो खोल रखे हैं। अल्लाह भी वही है, नबी भी वही है, मक्का भी वही है, मदीना मुनव्वरा भी वही है, काबा भी वही है, रोजा भी वही है, कुरान शरीफ भी वही है, हदीस शरीफ भी वही है। जो बायजीद बुस्तामी के रब वो हमारे रब, जो जुनैद बगदादी के रब वो हमारे रब, जो फुजैल बिन अय्यास के रब वो हमारे रब, जो बिशर हाफी के रब वो हमारे रब, जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के रब वो हमारे रब, जो बाबा फरीदुद्दीन अत्तार के रब वो हमारे रब, जो हजरत जी मौलाना इलियास साहब के रब वो हमारे रब, जो हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब के रब वो हमारे रब, जो मौलाना तारिक जमील साहब के रब वही हमारे रब, जो पीर जुल्फिकार साहब के रब वही हमारे रब, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के रब वही हमारे रब। अरे वो अल्लाह जब उनको अपना वली बना सकता है, अगर हम भी उनकी तरह गुनाहों से बचते हुए आएंगे, सच्ची तलब के साथ आएंगे, अल्लाह हमें भी अपना वली बना सकता है। बल्कि अल्लाह आज भी हमें वलियों का सरदार बनाने पर भी कादिर है। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, उसके खजाने खुले हुए हैं। यूं फरमाया, ताअते बारी से दिल को शाद रख, इन वादल्लाही हक याद रख। लेकिन हम तौबा तो करें, हम गुनाहों से बचे तो सही, हम अपने वक्त को वसूल करें तो सही, किसी अल्लाह वाले से बैत होकर उनके मामूलात पूरे करें तो सही। हमें चाहिए कि हम जो है समझदारी का सबूत दें, आखिरत को सामने रखें। ये फना हो जाने वाला जहान है, ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना, जहां न हो हमेशा रहना। ये हमेशा रहने की जगह नहीं है, हमेशा रहने की जगह आखिरत है, हमेशा रहने की जगह आखिरत है। ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। फरमाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गा नहीं है। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, एक बच्चे ने इनको पत्थर मारा, इनके बदन से खून गिरना शुरू हुआ, जो कतरा जमीन पर गिरता था वो लफ्ज़ अल्लाह बन जाता था। मेरा अज़ीज़ो, क्या ये सही हो जाता है? अरे सोच के तो चाय भी नहीं बनती, सोच के तो खाना भी नहीं बनता, सिर्फ सोच के तो पानी भी नहीं आता। तो क्या सिर्फ सोच के आखिरत बन जाएगी? क्या एक बंदा सोचता रहे कि मैं हाफिज बन जाऊं, कुरान शरीफ ही ना पढ़े, क्या वो हाफिज बन जाएगा? एक शख्स किताबें खरीद कर रख ले और सोचता रहे कि मैं आलिम बन जाऊं, क्या वो आलिम बन जाएगा? एक शख्स स्कूल न जाए और सोचे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? एक शख्स अरबी न सीखे और समझे कि मैं मुफस्सिर कुरान बन जाऊं, क्या मुफस्सिर कुरान बन जाएगा? तो मेरे अजीजो, सोच के तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, असल तो ये है कि सोच के बाद इंसान अमल पर आए। मुझे जो है नवसारी से मुंबई के लिए जाना हो और गलती से मैं अहमदाबाद वाली ट्रेन में बैठ जाऊं और भरूच पहुंचने के बाद मुझे पता चले कि ओहो हो, मुझे तो मुंबई जाना था, मैं तो पालनपुर के रास्ते पर आ गया और ये तो भरूच आ गया, और भरूच के स्टेशन पे मैं रोना शुरू करूं और तड़पना शुरू करूं और बहुत रोऊं कि अल्लाह पाक मेरी गलती हो गई, मुझे मुंबई जाना था, रब करीम आप पहुंचा दीजिए, अल्लाह आप इस पर कादिर हैं, अल्लाह आप पहुंचा दीजिए, तो मुझे बताओ क्या ट्रेन पलट जाएगी मुंबई जाने के लिए? ना ना, अल्लाह ने दिमाग भी तो दिया ना, अल्लाह की सुन्नत क्या है, हम उस पर अमल करें। हमें चाहिए कि अफसोस तो हो लेकिन अफसोस के साथ फौरन उतरे, वरना अफसोस के बाद उतरे नहीं तो फिर आगे अहमदाबाद आएगा, पालमपुर आएगा, राजस्थान आएगा, मुंबई से बहुत दूर होते चले जाएंगे। अकलमंदी का सबूत क्या है? फौरन नीचे उतरे, टिकट ले, दूसरी ट्रेन पकड़े, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पहुंचेंगे। अब हमारी जिंदगी गफलत वाली, गुनाहों से भरी हुई, हम में से हर एक को पता है कि हमारी जिंदगी में वो कौन से गुनाह है जिसकी वजह से हमें अल्लाह का ताल्लुक नसीब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें शराब, चाश, अवाबीन की दौलत
दौलत से हम महरूम हैं, जिसकी वजह से रात का आखिरी पहर हम अल्लाह पर फिदा नहीं कर पा रहे हैं। हम में से हर एक को पता है किसी की जिंदगी के अंदर झूठ है, किसी की जिंदगी के अंदर बदनजरी है, किसी की जिंदगी में मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, किसी की जिंदगी में गीबत है, किसी की जिंदगी में किसी को तकलीफ देना है। तो हर एक को अपने बारे में पता है कि मेरी जिंदगी के अंदर क्या क्या गुनाह है। हमें चाहिए कि सारे गुनाहों से माफी मांगे, जैसे ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन पकड़े, तो ये दुनिया की मोहब्बत की ट्रेन से उतरे और आखिरत की ट्रेन में, अल्लाह के इश्क की ट्रेन में, अल्लाह के मोहब्बत की ट्रेन में जो है वो सफर शुरू करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। शायर ने तो यूं कहा, फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में, ये वो प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती। मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम में से जो जहां है वो वहां से आगे जाए, अपने आप को गुनहगार समझे कि अभी पूरी धरती पर सबसे बड़ा गुनहगार, पापी और मुजरिम अगर कोई हो तो वो मैं हूं। हम में से जो जहां भी हो, जिस मकाम पर हो, आपको वो मकाम मुबारक हो, अल्लाह कबूल फरमाए। हम तवाज़ु इख्तियार करें, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करें, आखिरत के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखें। अगर ये दो काम करेंगे तो सब्र और शुक्र की तौफीक होगी, और आपको पता है कि सब्र करने वाला भी जन्नती, शुक्र करने वाला भी जन्नती। बल्कि अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जअलना मिनस्साबिरीन वजअलना मिनश्शाकिरीन, बारी ताला में सब्र करने वालों में से बनाइए और हमें शुक्र करने वालों में से बनाइए। बल्कि ये दुआ भी पढ़ते रहें, हिजबुल आजम में मौजूद है, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा, बारी ताला मुझे सब्र करने वालों में से बनाइए, वजअलनी शकूरा और मुझे शुक्र गुजारों में से बनाइए, वजअलनी फी आईनी सगीरा, अल्लाह जी मुझे मेरी नजरों में छोटा और अल्लाह मुझे लोगों की नजरों में बड़ा बनाइए, कबीरा और अल्लाह मुझे लोगों की नजरों में बड़ा बनाइए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने वलियों में शामिल फरमाए। मेरा अजीजो, ये जज्बा होना चाहिए, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे सिद्दीकियत के आखिरी सरहद पर पहुंचाइए, जो मकाम सिद्दीकियत है उसके आखिरी सरहद पर अल्लाह मुझे पहुंचाइए और खैर आफियत के साथ पहुंचाइए। अल्लाह खैर आफियत से मेरी तरबियत फरमाइए। ये हमारे अंदर का दर्द, ये हमारे अंदर का जज्बा, ये हमारे अंदर का वलवला, ये हमारे अंदर का शौक, ये होना चाहिए और हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएं, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएं। ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको मामूली न समझे। मुझे आप बताएं, शराब के अड्डों पर कौन जाएगा, चोरों के पास कौन जाएगा, डाकुओं के पास कौन जाएगा, गांव गांव देहात देहात कौन जाएगा, हर एक का दरवाजा जो है ये कौन खटखटाएगा और हर फर्द की मुलाकात जो है ये कौन करेगा। इसलिए हमें इस मुबारक मेहनत में लगना है, महीने में तीन दिन, सालाना चिल्ला, बार बार चार महीने, अंदरून बैरून और बैरून भी जाना है, अंदरून बनाने के लिए अपनी इस्लाह की नीयत से छोटे बनकर अल्लाह के सामने बंदा बन के रहो और अल्लाह के बंदों के दरमियान भी बंदा बन के रहो। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब और अजाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है इश्क वाले हिसाब क्या जाने। अल्लाह के वास्ते इस मुबारक मेहनत को मामूली न समझे। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसका खुलासा ये कि जब ये मुबारक मेहनत चलेगी तो मस्जिद को मुसल्ली मिलेंगे,
बड़ी उम्र वालों को पूछो 30 साल पहले नमाज में कितने आते थे, और जब से अल्लाह ने इस मेहनत को जो है खूब जोरों शोर पर और खूब आन बान और शान के साथ अल्लाह ने अपने फजलो करम से 6 बर्र आजम में अल्लाह ने इस मुबारक मेहनत को पहुंचाया, करोड़ों अरबों खरबों लोगों को अल्लाह ताला ने इस मुबारक रास्ते की बरकत से हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाया, आप बड़ी उम्र वालों से पूछो, आपको कहेंगे पहले फजर की नमाज में नमाजी नहीं नजर आते थे। आप पूछो 30 साल पहले मस्जिदें कितनी थी, बहुत कम थी। मुसल्ली कितने थे, बहुत कम थे। हजरत फरमाते थे जब ये मुबारक मेहनत चलेगी ना तो मदरसे को तलबा मिलेंगे। जरा पूछो पुराने हजरात से कि पहले मदरसे में कितने बच्चे होते थे, लेने के लिए जाना पड़ता था, और आज ये हाले इतनी दरखास्तें आ रही है कि किसको लें किसको न लें, मुस्तकिल मसला खड़ा हो गया है। मदारिस में जाएं और तश्कील के दौरान पूछे कि आप में से कितने वो लोग बैठे हुए हैं कि आपके बाप दादा परदादा तबलीग में लगे थे और उसकी बरकत से आपके वालिद साहब का वक्त लगा अल्लाह के रास्ते में, और वो कुरान शरीफ के हल्के में बैठे, उनका दिल अंदर से रोया कि मुझे तो सूरह फातिहा भी नहीं आती, मुझे तो अपने बच्चे को पढ़ाना है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की बरकत से उन्हें अफसोस पैदा हुआ। तो तकरीबन 80-90% मजमा ये हाथ उठाएगा, हां हमारे बाप दादा पर दादा दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत से जुड़े, उन्होंने हमें मदरसे में भेजा। सारे शोबे वालों ने खूब जी जान से मेहनत की है, सिर्फ तबलीग वालों ने नहीं, तबलीग वालों ने, मदारिस वालों ने, खानका वालों ने, जमीयत वालों ने, सारे ये दीन के शोबे से हमें जुड़ना चाहिए। एक ही जिंदगी है। देखो इफ्तारी के दस्तरखान पर सारी चीजें खाते हो या एक चीजें खाते हो, सारी चीज खाते हो ना भाई, कि पता है कि 10 मिनट के लिए दस्तरखान लगता है फिर दस्तरखान उठ जाता है। एक ही जिंदगी है। जिस तरह मुर्ग मुसल्लम का अपना मजा है, बिरयानी का अपना मजा है, आइसक्रीम का अपना मजा है, ड्राई फ्रूट का अपना मजा है, दूसरा चक्कर कोई यूं कहे कि दूसरी चीज में मजा नहीं, फरमाया कि वो नादान है, दूसरी चीज उसने चखी नहीं और दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं कि अल्लाह इस जिंदगी में मदरसे से फायदा उठा लूं, दोबारा जिंदगी देना दावत से फायदा उठाऊंगा, ना 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 ना, एक ही जिंदगी है। अल्लाह से दुआ करो हर फील्ड से फायदा उठाओ, कोई एक शोबे में कमाल पैदा करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने रास्ते में वक्त लगाने की, अल्लाह वालों से जुड़ने की, अपने बच्चों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती दीन का दाई और अपना वली बने उसकी कोशिश करने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं, अभी हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। आप अगर अपने घरों में हों और आसानी से लाइट बंद कर सकते हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी बरकत से जो है ध्यान ज्यादा लगता है, ध्यान ज्यादा लगता है। मर्द हजरात आवाज से इस तरफ पढ़ें कि किसी को तकलीफ ना हो, और औरतें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ पढ़ें, पढ़ें। अल्लाह जल्ल जलालू, आप हजरात भी पढ़ो पूरे ध्यान के साथ। अल्लाह हमें देख रहे हैं, कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं, का अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह कितने खुश हो रहे होंगे कि मेरे बंदे जो हैं ऐसी मुसीबत और ऐसे वबा के दौर में भी वो मुझे याद कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا
اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند ہی رکھیں, گردن کو چکائے رکھیں, تصور کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دل میں سما رہی ہے, ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. زبان کو تالو سے لگائیں, دل سے اللہ کو یاد کریں, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے وہ دل سے یاد کرتا ہے. ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, اور مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر, اللہ اللہ کیسا پیارا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینار جام ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ہم تم ہی آگاہ گے بس اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم اور کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجئے, ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے. اگر رونا آئے تو اپنے اللہ کے سامنے روئیں, آنسو بہائیں. اللہ نے سات سمندر بنائے, اس کے باوجود وہ بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے سے محبت رکھتا ہے. رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنائے, دل کی حاضری کے ساتھ سچی طلب کے ساتھ دعا کریں اور سچے دل سے توبہ کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم, آقا اللہ جی ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں. اللہ صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں, ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں, لیکن اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں, ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں, اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. اے اللہ, ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا کلیمہ نہیں پڑھتے, ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں
नहीं समझते, किसी और को मस्जूद नहीं समझते। हे अल्लाह, आप ही हमारे रब है, आप ही खालिक है, आप ही मालिक है, आप ही पालनहार है, सारी दुनिया का निजाम आप ही चला रहे हैं। हे अल्लाह अल्लाह, ये चेहरा जिस पर लोगों की नजर होती है इसको हमने बड़ा साफ कर रखा है, मगर ये दिल जिस पर आपकी नजर होती है, ये दिल जो आपका घर है, ए अल्लाह हमने इसको गंदा कर रखा है। ए अल्लाह हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा। ए अल्लाह दिल को पाक साफ फरमा। एक दिल है और आपके लिए है, इस दिल को आप पर फिदा करने की तौफीक अता फरमा। जवानी जिंदगी आप पर फिदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम गुनाह करते कर 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 के भी थक गए, मेरे मालिक हम पशेमान हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम नादिम हैं, इकरारी मुजरिम हैं। ए अल्लाह बहुत गुनाह कर लिए, अब नहीं करना चाहते। अल्लाह अब आपको नाराज नहीं करना चाहते हैं, अब आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये दिल की तार आपसे जोड़ना चाहते हैं, कल्ब का तस्फिया चाहते हैं, नफ्स का तस्किया चाहते हैं, सुलूक की सारी मंजिलें खैर आफियत से तय हो जाए ये चाहते हैं, इशराक चाश अवाबीन और तहज्जुद की दौलत आपसे मांगते हैं, मामूलात की पाबंदी की तौफीक चाहते हैं, बदनजरी से बचने की और कानों के गुनाह से बचने की, जुबान के गुनाह से बचने की, सर के बाल से पैर के नाखून तक गुनाहों से बचने की तौफीक चाहते हैं। अल्लाह जी रात का आखिरी पहर आप पर फिदा करना चाहते हैं। अल्लाह हमें अपने मकबूल और अपने महबूब और अपने चहीते और अपने लाडले बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह जी आपने अपने अवलिया को जो अता फरमाया, खैर आफियत से अल्लाह हमें भी अता फरमा दीजिए। आपको कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह अपना बना लीजिए, सैयदुल आरिफीन बना दीजिए, सैयदुल मुत्तकीन बना दीजिए। अल्लाह अल्लाह सिद्दीकियत की आखिरी सरहद तक पहुंचा दीजिए, अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह अगर आप हमें अपना वली बना लेंगे, आपका तो कोई वजीर भी नहीं, आपका तो कोई मुशीर भी नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपके खजानों में कोई कमी होने वाली नहीं। अल्लाह हमें सादिकीन में से बना, साबिरीन में से बना, खाशिईन में से बना, मुनफिकीन में से बना, मुस्तगफिरीन बिल असहार में से बना। ए अल्लाह सच्चे लोगों में शामिल फरमा। ए अल्लाह अब अपना बना ले, अल्लाह अब अपना बना ले, अल्लाह अब अपना बना ले, अल्लाह अब अपना बना ले। हम आपसे आपको चाहते हैं, आपसे आपकी मोहब्बत, आपका इश्क, आपका ताल्लुक, आपका कुर्ब, दर्द दिल चाहते हैं, उम्मत की फिक्र, उम्मत का गम, उम्मत का दर्द, उम्मत की कुड़न चाहते हैं। ए अल्लाह दीन की मुबारक मेहनत के लिए अल्लाह हमें दूर के लिए, देर के लिए, सारे आलम के लिए इखलास के साथ अल्लाह हमें अपने ले जाइए। अल्लाह आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमाइए। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाइए। जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो, अल्लाह उसको उस मुसीबत से निजात अता फरमाइए। और प्यारे अल्लाह हम में से हर एक की जायज तमन्नाओं को, नेक मुरादों को, दिली चाहतों को अपनी प्यारे अल्लाह अपने फजल से पूरी फरमाइए। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी मांगे अता फरमा। अल्लाह जी हमें मांगना नहीं आता लेकिन आपको देना बहुत खूब आता है। ए अल्लाह अपने खजाने गैब से हमारी जोलियां भर दीजिए। इस मजलिस के फैज को कयामत तक खूब आमो ताम फरमाइए। अल्लाह जी हमें बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाजरी नसीब फरमाइए। और अल्लाह हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाइए। اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولزملائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله आइंदा कल दोपहर में 3:30 बजे मजलिस शुरू होगी और रात की जो मजलिस है वो 10 बजे शुरू होगी। जैसा कि ऐलान किया गया था कि 1 जून से 15 जून तक ये मजलिस की तरतीब रहेगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप भी सुनते रहें और औरों को भी इसकी दावत चलाएं। आपके कहने से किसी ने मजलिस सुन ली, कोई बात उसको दिल पर लग गई, इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। आप हजरात से दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।